हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। एक्चुअली गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, इसको हर बड़ा यूट्यूबर खेल रहा है, जैसे कि टेक्नो गेमर, अंशु बेस, चपाती गेमर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खेल लूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है इस गेम में क्या होता है, हम लोग एक गाड़ी लेते हैं और उसे थोड़े ज़्यादा पैसों में सेल कर देते हैं, तो ऐसे हमारा प्रॉफिट जाता है। और इसमें बहुत सारी सुपर कार्स भी होती हैं, तो हम लोग आज वो भी बाय, एक्चुअली वो हम लोग बाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग गाड़ी सेल्स करके थोड़े बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। तो देखते बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस वीडियो को अभी से लाइक कर देगा, क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं, मतलब थोड़ा सा क्लोज है 400 सब्सक्राइबर्स के। तो जैसे भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि मोबाइल वर्जन है, पीसी वर्जन नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी ग्राफिक्स ख़राब लगेंगी, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी अच्छा बिल्कुल सेटिंग सिंपल वही है। और यहाँ पर हमारा ऑफिस भी है, और हमारे हमें शुरू में 9000 रुपये दिए हुए हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर जैसे उसमें ऑफिस होता है और उसमें ये भी होता है, ये भी बिल्कुल हम लोगों को सेम दिया हुआ है। हम लोग कार वार कर सकते हैं इसमें, देख लें कार लिस्ट के अंदर, सही है। अभी हमारे पास कोई भी लिस्ट है नहीं, तो हम लोग यहाँ कर लेंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ से अपना गेम स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होगी एक कार, जो कि आपको तो पता ही है ऑब्वियसली वहाँ मिलती है। ये यहाँ पर शायद स्पीड का है, ओके ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ये बस स्टैंड दिया हुआ, हम लोगों को इस रास्ते से जाना होगा, क्योंकि उसमें भी बस स्टैंड से ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्शन में तो नहीं जाएंगे, ना ही हम लोग जाएंगे कार मार्केट, हम लोग सबसे पहले जाएंगे विलेज में। वहाँ पर जाके कोई अच्छी सी कार लेंगे, जो तो सामने अच्छी कार नज़र आ गई। के लिए मुझे कार के नाम पता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बहुत ज़्यादा गेम खेला हुआ है ना, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ये है BMW, शायद BMW है ना, BVM लिखा हुआ है। तो इसके प्राइस ये आई थिंक बता रहा है ये 10,000 रुपये हैं। 10,000 बहुत ज़्यादा है यार, ये तो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। नहीं भाई नहीं, हम लोग आगे और चलते हैं, इसमें इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, हम लोग आराम। तो ये कार दे रही 13,000 की, यार रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक्चुअली बारगेनिंग भी नहीं है, तो हम लोगों को बारगेनिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को ऐसी लेनी पड़ेगी कार। ये तो देखने में ही महंगी लग रही है, लेकिन फिर भी इससे पूछ लेते हैं। मुझे पता है बहुत महंगी होगी, मुझे पता था 30,000 बहुत महंगी है यार, कोई नॉर्मल कार नहीं है वो, ये लग रही है नॉर्मल कार, इससे पता करते हैं। हो सकता है ये हम लोगों को दे दे थोड़े बहुत पैसों में, कि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे हैं भी नहीं। 9,000 यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास 8,000 है, वरना ये कार बहुत अच्छी है, 9,000 में एकदम अच्छी मिल रही है। 2-3 हज़ार वाली नहीं है क्या कोई? ओ ओ सही सही, 7,000 की मिल गई गाइस हम लोगों को यहाँ पर। मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आया था, ये आंटी 7,000 रुपये की दे रही है। हम लोग एक दफ़ा और पता करके आ जाएँ, क्योंकि 7,000 मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे पास 8,900 हैं। वैसे मैं चाहूँ तो ये ले सकता हूँ, लेकिन पता कर लेते हैं। देखो यहाँ सुपर कार भी आई हुई है, आगे खड़ी हुई है। फिलहाल हम लोग इससे पता कर लेते हैं कि आखिर ये जो ब्लैक कार है ये कितनी की दे रहा है। हाँ भाई कितनी की दे रहे हो? 6,000, ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग सीधा बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है भी नहीं ऑप्शन का। ओके गाइस, हम लोगों ने फाइनली कार को ले लिया। अगर हम लोग इसके व्हीकल में जाएं तो ये हम लोगों को शायद अभी बता नहीं सकता, ठीक है इसको छोड़ो हम लोग। अच्छा यहाँ पर ये बता रहा है मेंटेनेंस, अच्छा बहुत पुरानी है ये तो, ठीक है तो नहीं चलता है, इसको हम लोग ले चलते हैं। ओ भाई यार इसमें कार चलाने का अपना ही मज़ा, ये देखो यार, ओहो यार मज़ा आ रहा है सही में। ठीक है हम लोग इसको लेके, अरे यार आराम से आराम से आराम से, ठोकना नहीं ठोकना नहीं, ओके ओके। लाइट बंद करो यार, लाइट की ज़रूरत नहीं है। ओके तो हम लोग इसको अब लेके चलते हैं सीधा अपने शोरूम में, और वहाँ जाके इसको बेच के देखते हैं कि आखिरी कितनी बिकती है। भाई मैंने इस पर प्राइस लगाया 6,000, तो इतना प्रॉफिट तो मुझे पता है नहीं होने वाला, क्योंकि कार भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन
सेल पे लगा देते हैं, देखते हैं कि आखिरी कितनी बिकती है। तो यहाँ पर हम लोग कार्ड लिस्ट में गए और ये आ रही है। अभी हम लोग इसको आई थिंक नॉट ऑन सेल पे लगा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका पहले प्राइस भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये जा रही 6000 की। एक्चुअली हमने इसको 6000 पे लिया है, तो 6000 का लिया है और 1000 का हुआ है, तो मेरे हिसाब से 8000 में तो जानी चाहिए। 8000 तो बनते करके देखते हैं इसको 8000 रुपये में। लग गई क्या सेल पे? कहाँ लगी मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। उस पर लिखा हुआ तो आ गया ऑन सेल, आई थिंक लग गई है, इसमें पता नहीं चलता। ऑन सेल पे लगा दी ना। अब हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, देखते कस्टमर आते हैं नहीं आते, क्योंकि ऑफिस तो खुला हुआ है। यार ये गाड़ी सही में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, दिल तो चाह रहा है मैं ही रख लूँ, लेकिन इतनी ओ कस्टमर आ गया आ गया आ गया। ठीक है, मैंने सही रखा था। देखते हम लोगों ने इसको मतलब परचेस 6000 में किया है और एक्सपेंसिव मतलब 7000 का टोटल हम लोगों ने किया, 7500। तो 8000 में ले ले बस। ये क्या कह रही है? यू कैन मेक एन ऑफर 8000 सही में कह रही है? अगर मैं इसे 9000 रखूँ, वो ले गई हैं, ये क्या हुआ ऐसा? तो यार ये तो सही है यार, 10000 रुपये हो गए यार, ये तो सही है भाई। चलो जल्दी से चलो, अभी एक नई गाड़ी लेने चलता हूँ, बहुत हो गया। ओ भाई यार 6000 की गाड़ी लाया और 1500 का उस पर खर्चा किया और वो 8000 बल्कि 9000 में बिक गई यार, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मुझे नहीं पता था ये ऐसे काम करता है, वरना उसमें तो देखा था कि बस जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसका मालूम करते हैं, ये शायद से हम लोगों को दे सकता है गाड़ी 10000। यार ये महंगी है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, ओ भाई यार ये कार अच्छी लग रही है, इससे मालूम करते हैं। तो मैडम जी कितने की दे रही हो? 15000 ज़्यादा हैं। अब हम लोगों के पास पैसे तो आ गए, हम लोग ऐसा करते हैं कोई अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, 6000 से ऊपर की ले लेते हैं। ज़रा ये बड़ी कार आई थिंक बिक जाएगी, ये अच्छी होती है कार, इनसे मालूम कर लेते हैं। ये वाली भी अच्छी लग रही है। अच्छा ये तो शायद वो है ना, क्या कहते हैं, सिविक है? नहीं नहीं इसी है, पता नहीं क्या नाम है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये महंगी बहुत है। ओ ये बंदा 9000 में दे रहा है BVM, ये आई थिंक BMW है। BMW का बहुत पुराना मॉडल है, बहुत पुराना, 1997 का, बहुत पुराना। खैर इतना पुराना भी नहीं है लेकिन फिर भी। और ये 200000 किलोमीटर चली है, सही है भाई सही। 9700 की दे रहा है, ले लेते हैं, हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में चले जाए। इसका डैमेज कितना डैमेज? 35% है, ओके कर लेंगे। ओके भाई गाइस, हम लोग को फाइनल गाड़ी मिल गई, अब इसका लेके चलते हैं। आई थिंक इसके अंदर स्किल्स पॉइंट का होता है, मुझे सब पता नहीं है, लेकिन हम लोग ना एक स्किल्स पॉइंट का देखना पड़ेगा हम लोगों को, तो उससे ना हम लोग एक वॉशिंग का ख़रीद सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हम लोगों को 50 रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और यार नहीं, मैंने अपना डैमेज कर दिया, 35% था यार, नो क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छी खासी गाड़ी ठीक लाया था, 35% डैमेज थी यार। ये मोबाइल इसमें चलाना बहुत मुश्किल है, इसको ऐसे करके चलाते, ऐसे तो नज़र भी नहीं आ रहा, ऐसे ही कर लो भाई ऐसे ही। खैर बातों को ख़त्म करते हो और यार अंदर, अबे भाई अपना गेट तो बड़ा कर ले, अंदर आते हुए भी डैमेज पड़ गया। चलो भाई उतरते हैं यहाँ पर, इसको छोड़ो, इससे बात करते हैं। कितने पैसे लेगा यार? 1600। अबे भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है क्या यार, अच्छा खासा खर्चा करा दिया, 30% डैमेज थी, 40% करा दिया, इससे करते हैं। नहीं यार पैसे ही नहीं है, अब हम लोगों को इसमें बस वॉश करा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसा करते हैं हम लोग लेकर ही चलते हैं, ऐसे ही इसको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार ये डैमेज बहुत ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, इसको लगा कर देखते हैं, क्या पता बिक जाए। नहीं यार ये मेरे से गाड़ी नहीं चलती भाई, बहुत हो गया, मेरे से गाड़ी वाड़ी नहीं चलती, गाड़ी चलाना ना मेरे बस की बात नहीं है। ये तो यहाँ पर आके जल्दी से ये आ गया ना BM, 9700। नहीं यार 9700 की तो मैंने लिए, मेरे हिसाब से इसे 15000 का तो बेचना ही चाहिए। 15000 ही लिखा ना, 15 लाख तो नहीं लिखती है, हाँ सही है 15000। अब करके देखते हैं। अबे यार शिट रात हो गई, चलो कोई नहीं, हम लोगों को अपने घर जाना होगा, इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब हम लोग ने इसको सुबह आके बेचेंगे, फटाफट से जल्दी से घर निकलते हैं। यहाँ पर बस ही हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि कार तो हमारे पास है नहीं, और वो कार मैंने बेचने के लिए रखी हुई है। घर कैसे जाते हैं? तो कार मार्केट है, ऑक्शन और विलेज है, नहीं घर जाने का कहाँ पर ऑप्शन? ऐसा मत कहना कि इसमें घर नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं ऑफिस के अंदर ही सोना पड़े।
ऑफिस में ही सो सकते हैं, ये सही है। फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और हम लोग अपने गाड़ी के लिए, ये देखो गाड़ी के टायर के निशान भी अभी तक हैं। सही भाई, बहुत ज़्यादा सही गाड़ी लिया है। ये देखो कस्टमर भी आने शुरू हो गए। हाँ जी मैडम, कितने की लोगी? मैं तो 15,000 की दूंगा, क्योंकि मैं लाए इतनी क्यों। ओके चलो देखते हैं, 11,000। अगर हम यहाँ पर, हम लोगों ने पिछली बार 15,000, अगर मैं यहाँ पर 15,000 लिख दूँ तो क्या 15,000 की ले लेगी? वो ले ली भाई यार, ये सही है यार बिल्कुल। ठीक है फिर हम लोग बाद में गाइस हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हो गए हैं। बाकी हम लोगों ने 2 कार्स बेच दी और अब हम लोग बाकी कार्स को नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर भेजेंगे, या फिर देख लेंगे हम लोग कोई अच्छी सी कार ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आएगी, बस कुछ नहीं करना, गाइस वीडियो को एक लाइक कर देगा। और गाइस हम मैंने आपको जैसे बताया 400 सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत क्लोज है, ये 4,000 तो मेरे हुए नहीं, लेकिन आप लोग चाहे तो हमारे 4,000 हो भी सकते हैं। फिलहाल अभी 400 सब्सक्राइबर्स के हम लोग गाइस बहुत क्लोज है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। बाकी अगर आप लोगों को ऐसी और भी गेम की वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।